नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिया चौधरी और आज मैं आपको शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के छठवें अध्याय का सार देने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के नीचे हिंदी में लिखे हुए कैप्शंस देखना है तो आप वीडियो को क्लिक कर ऊपर दिए हुए सीसी ऑप्शन को दबा दीजिए, फिर आपको इस पूरे वीडियो के कैप्शंस हिंदी में नीचे आते रहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन। नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, प्राचीन काल में किसी शमशेरशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहाँ आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स्य, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरु द्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स्य, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ, इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स्य, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स्य, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। विष्णु बोले, हे वत्स्य, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति के व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कह रहे हो। नंदीकेश्वर बोले, हे मुने, उस समय वे आजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश में श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं। इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। वहां आकर आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्षः स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुःसह बाणों और फरस्तों से प्रहार किया। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वहाँ अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ श्रांत हो दीर्घ निःश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर महेश्वर का अस्त्र का साधन किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्राह्मणों को कमित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राजविल्प के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक पेड़ का भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्मा स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रमाण करके भवन में प्रविष्टि हुए। उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रतनमय आसन पर विराजमान देव शेष शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणीया उन पर चंवर डुला रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स्य, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंद आश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर के उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां देवनां कैलास यात्रा वर्णनम्।
नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में देवताओं के कैलाश यात्रा का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।